भाई साहब 40 46 वाले ब्रेक मत दबा, मुझे कैसे नहीं लिखना है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू एंड इंटरेस्टिंग व्लॉग। तो आज अपने साथ है वाइगर की ई बाइक। दिस बाइक विल कॉस्ट यू नॉट मोर देन डैश डैश डैश। पूरा वीडियो देखो, पता चल जाएगा इसका प्राइसिंग क्या रहने वाला है, क्या फीचर्स आते हैं, सब कुछ डिटेल्स मैं बता दूंगा। सो स्टे ट्यून्ड। ये इसका कुछ ऐसा चाबी है, स्टार्ट किया, एम बटन दबाया, बाइक इज ऑन। सो चलो, अभी फिलहाल तो मैं बस पैडल ही मार रहा हूँ। 25 की स्पीड है, 26, और यही समझो रेस देता ना भाई, 35। वाओ भाई, रेस देने का ही जरूरत नहीं, क्या स्पीड से जा रहा है भाई साहब, 40 46। खतरनाक चीज है, और लोग मतलब क्या देख रहे हैं गाइस। देख रहे हैं भाई, एक ही टेंशन है ब्रेक का भाई, बर्फीलेज वाले ब्रेक मत दबा, मेरे को ऐसे नहीं लिखना है। भाई साहब, लोग सच में कंफ्यूज्ड है कि भाई ये पैडल तो मार रहा है और 40-40 के स्पीड पे जा रहा है, भाई पॉसिबल कैसे है। और इसका अभी किलोमीटर भी देखते हैं, तो 23 है किलोमीटर्स। कल हमने ज़्यादा से ज़्यादा है कि इसको 1 या 2 किलोमीटर चलाया था कल इसमें, लेकिन आज भाई भर पेट चलाएंगे इसको, बैटरी ख़त्म होने तक। हाई वी आर एट पेंजिम, यहीं से कल हम लोग वापस गए थे, वी आर बैक। अभी और आगे जाएंगे, पूरा मीरामार दोना पावला तक जाके आएंगे। चेयर चेयर रिएक्शन देखो क्राउड में क्या रहता है, कि पब्लिक अपने को भाई रोक रोक के पूछती है कि क्या सीन है, लेकिन भाई बहुत खतरनाक सीन है। सो गाइस, वी आर गोइंग टुवर्ड्स द परशुराम स्टैचू। यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, कभी गया नहीं इधर रह के, ये अपना सिचुएशन है भाई, छूट जाएगा क्या इधर से। भाई परशुराम सेतु यार। सो गाइस, वी आर एट मीरामार, और अभी दोना पावला जाके रिटर्न आएंगे। फिलहाल अपना 9 किलोमीटर ऑलरेडी हो चुका है, बाप रे 9 किलोमीटर चला है गाइस। सो गाइस, ऐसा है ना कि अभी दिस इज अ क्लाइंब, बहुत स्टीप क्लाइंब नहीं है, लेकिन इजीली मतलब इवन पैडल नहीं मारेगा ना तो इजीली चढ़ रहा है। सो सही है, अभी बस नेक्स्ट टाइम अभी हम लोग सिंकरिम लेकर जाएंगे, और वहाँ का भाई बहुत ही खतरनाक स्टीप क्लाइंब है, तो वो करके देखते हैं। वो पास तो भाई पास साइकिल कहीं भी जाएगी, बट रेंज मैटर। सो रेंज भी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, अभी ऑलरेडी वी आर डन विथ 12 किलोमीटर्स, 12.5 किलोमीटर। अरे भाई, अरे सो अभी हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स दोना पावला जेटी। ओहो क्या क्राउड है यार,
बढ़िया है। भाई लिंबू सोडा बनाओ। तो गाइस फटाफट चलते हैं क्योंकि अभी 13.8 किलोमीटर अपना हो चुका है एंड लेट्स सी कहाँ कहाँ जाती है ये बाइक। सो गाइस वापस हम लोग आ चुके हैं मीरामार, मतलब अभी हो गए हैं 16.8 किलोमीटर टोटल एंड इट इज़ गुड। भाई फील ही नहीं हो रहा है कि 16 किलोमीटर चला के आ चुका हूँ। गाइस अपने लेफ्ट साइड पे है मीरामार बीच एंड अपने राइट साइड पे है हनुमान जी का टेंपल एंड दिस बीच इज़ क्रेजी। अभी पूरा डिटेल व्लॉग भी इस बीच के बारे में लेकर आऊँगा लेकिन फिलहाल तो गाइस एंजॉय करते हैं अपनी ब्यूटी को। लोग यानी अद्भुत है यार, भाई साहब क्राउड देखो। This is Gujarat Lodge guys, Gujarat Sweet Mart, यहाँ का स्पेशल पंजिम में कुछ चटपटा खाने का हो तो Gujarat Lodge is here. So guys, this is the 18 जून रोड, यहाँ पर शॉपिंग क्लोदिंग हो थोड़े ब्रांडेड टाइप के चाहिए कुछ तो पंजिम में 18 जून रोड इज फॉर यू। सो वी आर नियर द पुलिस स्टेशन गाइज, आज ऑलमोस्ट पंजिम का दैट इज आज़ाद मैदान, तो पंजिम का पूरा चप्पा चप्पा हम लोग घूम चुके हैं आज इस साइकिल ई साइकिल के साथ और बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस था। सो गाइस अभी पूरा स्पीड में चलते हैं, देखते हैं। गाइस जैसे हम लोग इस ब्यूटीफुल से लोकेशन पे आते हैं जहाँ पर श्री परशुराम जी का स्टैचू है और आते इस बाइक के ऊपर, तो ये बाइक है विगोर की ई बाइक, कम्स विद अ बैटरी असिस्ट ऑल्सो, मतलब इसके पेडल्स को एक सिस्टम आता है, इसमें अभी अपग्रेड होने वाला है कि यहाँ पर देखो यहाँ पर मोड से देखो यहाँ पर आप लेवल 1 लेवल 2 अप टू लेवल 5 तक मोड है। जैसे कि कैसा है कि एक आप पेडल मारोगे तो इट इज इक्वल टू 3 पेडल्स, तो वैसा असिस्ट करेगा यहाँ पर मोटर एंड भाई बहुत खतरनाक चलता है, सही चल रहा है एंड आपको इसका जो प्राइसिंग है डेट विल बी लेसर देन 50,000, याद रखो अराउंड 45-48,000 के अंदर रहेगा इसका प्राइसिंग। और इसमें जो फीचर्स आता है दिखाते हैं, फर्स्ट इज हेडलाइट एंड हॉर्न, हॉर्न देखो एंड वही आपको हेडलाइट भी दिखेगी, तो सही है। चाबी दिया है यहाँ पर, यहाँ पर आपको पूरा मीटर रहता है ट्रिप। अभी देखो हमने 22 किलोमीटर चलाया है एंड स्पीड भी आ जाता है, सीट भी कंफर्टेबल है, टायर भी चौड़ा होने के कारण वाइब्रेशन ज़्यादा नहीं देता एंड दिस इज द टेल लाइट, देखो बहुत सही है गाइस बाइक। अगर इस बाइक के कुछ डिटेल्स वगैरह चाहिए या टेस्ट ड्राइव लेने का हो तो डेफिनेटली नीचे दिए हुए नंबर पर आप मैसेज डाल सकते हो। तो गाइज यहाँ पर आपको एक PAS करके दिख रहा रहेगा, दैट इज पेडल असिस्ट सिस्टम, और यहाँ पर उसके मोड्स है अप डाउन, 5 मोड है टोटल, जितना कि एक पेडल है उतना ही इसका 3 पेडल है, समझ रहे हो ना, मतलब 1:3 है ऐसा सिस्टम है और वो भी मोड्स है और भी ज़्यादा है। तो गाइज वी आर ऑन द ब्रिज, देखो कितने जल्दी पहुँच गए अपने ब्रिज पे एंड दिस इज द पेंजिम व्यू, लेफ्ट साइड पे पेंजिम राइट साइड पे कांदोली। और यही नहीं, दिस इज द स्टीप क्लाइंब गाइस,
पोरोरिम का जो आप पंजिम ब्रिज होके अभी पोरोरिम जाते हो तब लगता है देखो। सो भाई इजीली चल रहा है, मतलब ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है, क्योंकि कल मैंने ऐसे ऑफ करके ट्राई किया था भाई, फट गया था मेरा, लेकिन विद दिस मोटर ऑन भाई परफेक्ट है। सो गाइस फाइनली आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड विल बी एक्सपेरिमेंटिंग अलॉट, मतलब इस बाइक पे बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहो, मतलब मेरे चैनल में बने रहो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करो, क्योंकि रील्स वील्स सब वहाँ पर आ जाएगा, पूरा ब्लॉग इधर आ जाएगा, इट विल बी अ क्रेजी फन। तो चलो बाय बाय।